भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर फोर का मुकाबला टाई हुआ, लेकिन ये मैच एशिया कप का सबसे रोमांचक मैच था। इस मैच ने भारत के साथ साथ अफगानिस्तान की भी सांसें थाम दी। यूं तो पूरा मैच ही मजेदार था, मगर आखिरी ओवर में जो हुआ वो तो कल्पना से भी परे था, क्योंकि इस ओवर में हर बॉल पर बाजी पलटती रही। आपको दिखाते हैं राशिद खान का वो पूरा ओवर। भारत को राशिद खान के आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन बनाने थे। सामने थे रविंद्र जडेजा। राशिद की पहली बॉल पर जडेजा ने शॉट मारा, लेकिन जडेजा ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। अब 5 बॉल पर 7 रन की दरकार थी, दबाव टीम इंडिया पर आ गया था। ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा ने शानदार शॉट मारा और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के पास जाकर गिरी। तीसरे अंपायर की मदद ली गई तो इसे चौका करार दिया गया। अब 4 बॉल में भारत को 3 रन की जरूरत थी। भारत अब मुकाबले में आ गया था और ऐसा लग रहा था कि अब तो जीत पक्की ही है। राशिद खान की तीसरी बॉल पर जडेजा ने फाइनल लेग की तरफ शॉट मारा और 1 रन ले लिया। बस यहीं पर मुश्किल आ गई, क्योंकि स्ट्राइक पर अब खलील अहमद आ गए थे। भारत को जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी और टाई के लिए 1 रन की, लेकिन सामने खलील थे जिन्होंने अपने पूरे लिस्ट एक करियर में सिर्फ 17 ही बॉल खेली थी। अब एक बार फिर टीम इंडिया की हार सामने दिखने लगी थी, क्योंकि गेंदबाज थे धाकड़ राशिद खान। ओवर की चौथी बॉल राशिद ने गुगली फेंकी, जो खलील के बल्ले का किनारा लेकर चली गई और 1 रन हो गया, यानी स्कोर बराबर हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जडेजा स्ट्राइक पर आ गए थे। अब तो भारत की जीत पक्की दिख रही थी, क्योंकि 2 बॉल पर 1 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे सर जडेजा। राशिद के ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा ने शॉट मारा, लेकिन बॉल हवा में चली गई और मिड ऑन के पास अफगान फील्डर दौड़ता हुआ आया और कैच पकड़ लिया। जी हाँ, जडेजा आउट हो गए और मैच टाई हो गया था। अफगान फील्डर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जडेजा ने जल्दबाजी में शॉट मारने की कोशिश की और आउट हो गए। भारत और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया। हालांकि मैच टाई जरूर हुआ, कोई जीता नहीं, लेकिन इस मैच में क्रिकेट की जीत हुई। दोनों ही टीमों ने अच्छा गेम खेला और एक शानदार मैच दर्शकों को देखने को मिला। इस मैच को सालों तक याद रखा जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।